अगर आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाना चाहते हैं या फिर आप पुराने चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कि कौन से पुराना चीज़ किस ज़माने में होता था, तो इसके प्रैक्टिकल के लिए सबसे अच्छा जगह भारत है। यानी कि भारत में आइए, भारत में पूरे विश्व की सभ्यता का वर्णन मिलेगा आपको। इस लेसन में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका ज्ञापन अकेडमी के इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का लेसन 3, जो कि इस लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि भारत में कितनी क्वालिटी है, उस सभी क्वालिटी को इकट्ठा करके और इस पूरे लेसन में एक जर्मन के व्यक्ति द्वारा ही बताया गया है। समझिएगा कितने शानदार व्यक्ति हैं। यहां समझिए, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कहां के निवासी हैं? तो ये जर्मनी के हैं, और इन्होंने भारत के बारे में बहुत ही सुंदर शानदार व्याख्या की है कि अगर कहीं भी कुछ नहीं मिले और शांति कहीं जगह मिलेगा, जीते जी स्वर्ग देखना है, तो अपना प्यारा सा भारत है, इंडिया है। ठीक है, यहां उन्हीं के बारे में थोड़ा सा लेखक का चर्चा कर लें। इनका जन्म जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डेसाऊ नगर में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बन सकता है। 6 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके पिता विलहेम मुलर, इनकी मृत्यु हो गई जब ये कितने वर्ष के थे? मैक्स मुलर जी 4 साल के थे, तो बेचारे इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब बेचारे उस समय ये अनाथ हो गए, और अनाथ हो गए, स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक माँ है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उन्होंने, उनकी माँ ने उनको काफ़ी मोटिवेट किया, और उस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई आगे जारी रखा। और अपना शिक्षा कहाँ का? तो संस्कृत की शिक्षा लिप्ज़िग विश्वविद्यालय में ग्रहण किए। उस समय काफी फेमस यूनिवर्सिटी ये था। लिप्ज़िग में क्या किए हैं? संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए हैं। संगीत में भी ये बहुत ही, मतलब बहुत ही मजेदार व्यक्ति थे। संगीत भी सीखे हैं, ग्रीक और लैटिन भाषा में ये बहुत ही परिपूर्ण थे। यहाँ देखिएगा, अब ये काम क्या किए कि अब अपने जर्मनी के लोगों को हर जगह जब ये घूमे थे, तो हर जगह की चीज़ों को जर्मनी के लोगों को बताना था कि वाओ यहाँ की चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है, जा करके देखिए। तो उन्होंने किताब लिखा, ठीक है, और उस किताब को जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ठीक है, ताकि जर्मनी के लोग भी पढ़ पाए। उसमें इम्पॉर्टेंट है मेघदूत। आपसे पूछा जाएगा कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो किसने किया? आपको मैक्स मुलर याद रखिए। कट और केन कई बार पूछा जा चुका है। कट और केन पूछा जाएगा किस लेसन से लिया गया है, तो याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे, या फिर किसके द्वारा ये जर्मन अनुवाद किया गया है, तो मैक्स मुलर के द्वारा किया गया है। एक और जर्मन अनुवाद है हितोपदेश, ये भी याद रखिएगा। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा समझिएगा। मैक्स मुलर का 2 वर्ड याद रखिए, एगो मैं एगो क, ठीक है, तो म से हो जाएगा मेघदूत इनकी रचना, और क से हो जाएगा कट और केन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? मेघदूत और कट और केन इन किस में अनुवाद किए हैं? जर्मनी में अनुवाद किए हैं। अब देखो क्या हुआ, इतने ये फेमस होते जा रहे हैं, बहुत फेमस होते जा रहे थे, ठीक है, इनकी किताब चारों तरफ चल रही थी, और वेद की तो ये ज्ञाता थे। कौन? मैक्स मुलर। आप सोचिए जर्मनी के व्यक्ति, लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में कितना नॉलेज है, भारत में कितना रुचि रखते थे, बहुत मजेदार लोग हैं भारत के, इनका कहना था, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा वेदों के ज्ञानी भी थे। तो विवेकानंद ने इन्हें बोला था वेदांतियों का वेदांती बोला, ठीक है, विवेकानंद को क्या बोले हैं? वेदांतियों के बाद ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछने का बाबू चांसेस बनता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा, ठीक है, तो कौन? विवेकानंद बोले हैं, ये याद रखना है। अब देखिए, भारतवंशियों के पूर्वजों के चिंतन को क्या कहे? सामने लाए। और भारतवंशी जो थे, भारत के लोग थे, उनके जो भी पूर्वज लोगों का चिंतन था कि काश भारत का नाम पूरे विश्व में फैला रहे, ठीक है, तो वो क्या फैलाने का काम किसने किया? मैक्स मुलर ने किया। उन लोगों के भी फीलिंग को समझें, ठीक है, यहाँ समझिएगा। इस सब देखते हुए जो सम्राज्ञी विक्टोरिया एक थी, ठीक है, महारानी, ये सोची कि इन बंदा फेमस होते जा रहे हैं, मामला है क्या, ठीक है, तो बोले कि एक बात बताओ, वो थी आपके ब्रिटेन की, और ब्रिटेन ने बोले कि हमारा ये जो यूरोप भाषा है वो, और तुम जो जानते हो ऋग्वेद और संस्कृत, इसकी तुलना करके बताओ कि दोनों में कौन बेस्ट है। दोनों को कंपेयर करने के लिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद संस्कृत की तुलना यूरोपियन भाषा से किसने करवाया, तो यहाँ पे विक्टोरिया द्वारा कराया गया। कब करवाया गया? तो 1868 में करवाया गया था, ठीक है। कंपेयर की तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी कि वाओ सही में इस बंदे के पास, मैक्स मुलर के पास काफ़ी टैलेंट है, ठीक है, ये तो है जर्मनी का, लेकिन लग रहा है कि मैक्स मुलर यानी मूल निवासी भारत का है, ऐसा लग रहा है, ठीक है।
और ये सब खुश होकर के, और उन्होंने नाइट की उपाधि दी, अंग्रेज नाइट का उपाधि दे रहा था, किसी को सम्मानित करना हो ना, इज्जत देना हो तो नाइट की उपाधि दे रहा था। लेकिन मैक्स मुलर को ये उपाधि अच्छा नहीं लगा बाबू, ठीक है, और जब ये उपाधि अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद से कुछ हद तक मृत्यु उनकी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गए, जन्म हुआ था 1823 में, मृत्यु हो गई 1900 में, ठीक है। अब एक बात बताए, इन्होंने क्या किया कि मैक्स मुलर भाषण, ये इनके द्वारा ये भाषण लिखा गया, क्या लिखा गया, भाषण, स्पीच समझते हैं, स्पीच, आखिर ये स्पीच किस मौके पर दिए हैं, तो एक सिविल सर्विस के अधिकारी आए थे, यहाँ देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित एक युवा अधिकारी आए थे, और वो जब आए थे ना तो उनके स्वागत के लिए एक स्पीच देने को मैक्स मुलर को बुलाया गया था, और उन्होंने भारत के बारे में ही स्पीच देना शुरू कर दिया, ताकि वो भी मोटिवेट हो और कभी इंडिया घूमने जाएं तो इस सुंदर सा नज़ारा को देखें, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। त्रिवेदी का मतलब तीन गो वेद के ज्ञानी होंगे, चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है, चार गो वेद के ज्ञानी, तो ये त्रिवेदी थे वाणी शंकर। अब देखो भाषा का संदेश क्या था, आखिरकार ये आए थे जो अधिकारी वहाँ पे आए थे, इनको बुलाया गया था स्पीच देने के लिए, तो सबको मोटिवेट कर रहे थे कि आप कभी भारत जाइए और वहाँ के खूबसूरती का आनंद लीजिए, आप जिस चीज़ में रुचि रखते हैं, जो जो चीज़ करना चाहते हैं उसको प्रैक्टिकल करना है, सच में देखना है, तो वो जमीन है, भारत का जमीन है, जहाँ पर जा करके हर चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ देखिए, सभी नवागंतुक अधिकारियों के लिए उन्होंने संदेश दिया है, क्या दिया है कि विश्व की सभ्यता, अगर पूरे विश्व की सभ्यता का बात करें तो सबसे पुराना भारत की सभ्यता है, इन्होंने कहा है, और भारत की सभ्यता से ही सब लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी विश्व की सभ्यता भारत से ही बहुत कुछ सीखती है, ठीक है। नई पीढ़ी को काफ़ी प्रभावित किए हैं, नई पीढ़ी को बोले हैं कि तुम लोग भारत के हो अगर तो भारत की संस्कृति को मत भूलो, यहाँ के हर एक चीज़ों से फ़ायदा उठाओ, यानी कि हर एक चीज़ों का मजा लो, आनंद उठाओ, ठीक है। अगर जिस चीज़ में रुचि है, इस पूरे लेसन में मैक्स मुलर के लेसन का नाम क्या है, तो आपको पढ़ना है भारत से हमने क्या सीखा, क्योंकि हम लोग मूल निवासी, मैक्स मुलर, तो मैक्सिमम यहां के मूल निवासी कहां के हैं, भारत के ही नहीं, भारत में मैक्सिमम, मैक्सिमम मूल निवासी कहां है, भारत से हम क्या सीखें, यह जानना है, टोटल लेसन पढ़ने के बाद जानना है कि आखिरकार हम सब पढ़ लिए तो भारत से हमने क्या सीखा। जब हर चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आंखों देखा सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं, दुनिया की सारी खूबसूरती इस भारत में है, तो हमने भारत से क्या सीखा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ लेसन की शुरुआत करते हैं, भारत जो कि सर्वगुण संपन्न यानी पूर्ण रूप से सभी गुणों से संपन्न भारत देश के बारे में जानते हैं, ठीक है, और बहुत सारे दार्शनिक जो विजिट करने या घूमने के लिए आए वो भारत के बारे में आ करके ऐसा ऐसा किताब लिखे जिसे देख करके और दूसरे लोग भी मोटिवेट होकर के भारत घूमने आए, वाकई में भारत जीते जी स्वर्ग है, समझ लीजिए भारत में घूमना, ठीक है। आप तो भारत के मूल निवासी हैं तो समझ ही रहे होंगे। यहाँ देखिए, मैक्स मुलर थे जिन्होंने लिखा है कि भारत से हम क्या सीखें, इतना घूमे तो भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर लिखे हैं, ये एक भाषण है, ये किसको बता रहे थे, वही अंग्रेज अधिकारी आया था तो स्पीच दे रहे थे इंडिया के बारे में कि इंडिया कितना खासम खास है। यहाँ देखिए, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यानी प्रकृति की खूबसूरती अगर कहीं देखना हो तो वो प्यारा सा भारत है, ठीक है। अगर आपको भूमंडल का अवलोकन करना है, भूमंडल का अवलोकन करना है, पूरे ब्रह्मांड में घूम करके मजा लेना है, उधर मत जाइए, कहीं मत जाइए, डायरेक्ट इंडिया में आइए, भारत में आइए, यानी कि अगर जीते जी स्वर्ग में देखना है तो समझिए कि वो भारत ही है। यहाँ देखिए, पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो वो कहाँ है, भारत है, किसने कहा, तो आपको बोलेगा मैक्स मुलर ने कहा। ये सब याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, सच्चे अर्थ में ये VVI क्वेश्चन आपके लिए, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये VVI इसलिए है क्योंकि पूछता है कि सच्चे अर्थों में भारत का दर्शन कहाँ होता है, क्या मुंबई उस टाउन शहर में होगा, नहीं बाबू, सच्चे अर्थों में अगर भारत का दर्शन करना है जहाँ स्वर्ग पाया जाता है तो वो गाँव में होता है, क्योंकि आप देखिएगा गाँव में लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। एक बार कोई जाएगा तो आपके लिए नाश्ता पानी व्यवस्था सब कुछ कर दिया जाएगा, ठीक है, बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं किसी के आने पर, लेकिन शहरों में तो पड़ोसी का घर में कौन रहता है वो पता ही नहीं चलता, लेकिन गांव में दूसरे के घर में क्या हो रहा है, घर में कितना नमक पड़ा है सब पता रहता है, बहुत प्रेम रहता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए,
विशेष क्षेत्रों में, अगर किसी चीज विशेष क्षेत्रों में अगर रुचि रखते हैं और उस रुचि को आगे बढ़ाना है, उस इंटरेस्ट को और मजबूत बना के उसमें मुकाम हासिल करना है, तो उसका अगर उसका प्रैक्टिकल करना है तो आप भारत में आए। यहाँ पे पूर्ण रूप से आज़ादी है आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, ये भारत का है। भू विज्ञान में रुचि अगर रखते हैं, भू विज्ञान का मतलब कि अगर भूमि से निकला हुआ चीज़ या फिर कोई भी चीज़ हो वनस्पति विज्ञान में, तो आप कहाँ आ सकते हैं, हिमालय से श्रीलंका की भूमि आपका इंतजार कर रहा है, जाइए पूरा भूमि के बारे में निरीक्षण कीजिए। यानी कि अगर जीते जी स्वर्ग में जाना है तो आप भारत का दर्शन कीजिए, कुछ नहीं हर चीज में भारत। यानी कि नहीं कहा जाता है हर एक माल 10 रुपया, यानी कि आपको अगर खुशी ज्यादा चाहिए तो भारत में आए। एक भोजपुरी में कहावत है कि कोनो प्रकार के खुशी चाहिए तो भारत में आई, ठीक है। यानी हर प्रकार का यहाँ पे टैलेंट अवेलेबल है और टैलेंट का प्रयोग भी पूर्ण रूप से खुले रूप से कर सकते हैं। यहाँ देखिए वनस्पति विज्ञान में अगर रुचि रखते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा के बारे में अगर आप रुचि रखते हैं वनस्पति विज्ञान में, तो भारत की फुलवारी आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ज़्यादा फुलवारी के बारे में जानना है, वनस्पति के बारे में जानना है, तो हकर्स भी जो एक भू, एक तरह से देखें तो वनस्पति विज्ञान के ये जन्मदाता ही एक तरह से माने जाते थे, ठीक है। ये भी आकृष्ट हो गए थे भारत को देख करके कि हम चल रहे हैं, अगर पेड़ पौधा पर रिसर्च करना है तो कहाँ चलते हैं, इंडिया में चलते हैं, ठीक है। देखो नृवंश विद्या की रुचि, कई बार एग्जाम में पूछा है नृवंश विद्या की अगर रुचि में आप में है। नृवंश का मतलब अलग अलग राजा महाराजाओं के बारे में, नृवंश के बारे में, सभी नए नए वंश के बारे में, लोदी वंश, बहलोल लोदी, कौन कौन सा वंश, बहुत सारा है, ठीक है, उसके बारे में जानना है तो आप का भारत का जीता जागता संग्रहालय आपका इंतजार कर रहा है। संग्रहालय यानी म्यूजियम आपका इंतजार कर रहा है, वहां जाइए और सबके बारे में पढ़िए। पुराने सिक्कों से लगाव है तो क्या कहिए, भारत में आइए। यहाँ पे ईरानी, कैरियन, थ्रेसियन, यूनानी, मेकेडियन, रोमन, मुस्लिम शासकों द्वारा जो भी सिक्का चलाया गया होगा, सोने का सिक्का, चमड़ा का सिक्का, अलग अलग सा, उस सब के बारे में जानना है तो आप भारत में आइए। यानी कोनो प्रकार के खुशी चाहिए तो भारत में आइए। यहाँ देखिए भारत के ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ये भारत जो भारत वाला शुरुआत हुआ है, ठीक है। एक भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। बेचारा आए थे अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है। उन्होंने बनारसी के पास 172 दानिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा देखा। आपसे पूछा जाएगा कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ देखने को मिला, तो बनारसी में मिला। कौन देखा, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था, तो भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये बेचारा सिक्का देखा, बोला कि वाह सोने का सिक्का है, भेज रहे हैं अपने शासक के पास। यानी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। जब ये सिक्का भेजा तो ये सोच करके भेजा कि हम जब भेजे हैं तो इतना सिक्का जब भेजे हैं सोना का, तो लोग कहेगा हाँ बड़ा ईमानदार है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, सब भेज दिया। आ इसको पुरातात्विक विभाग में रख दिया जाएगा ताकि आने वाले जो भी लोग हैं उसको देखें कि कभी इंडिया से ये खोजा गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी निकली बकलोल। कैसे निकली वो, क्या कि सभी सोने के सिक्के को पिघला करके और क्या करी, सोना के रूप में इकट्ठा करके किसी काम में लगा दी। बेचारा आया तो ये देखा कि ओ इतना मेहनत के बाद तो एक सिक्का मिला था, ठीक है। इसका बेचारा इस हिसाब से बोला कि अब तो हमारा कोई तारीफे नहीं किया, ठीक है, किसी प्रकार का तारीफ इसको नहीं मिला। अब देखिए पुराने जमाने में इंडिया में अच्छा काम हुआ है तो बुरा काम भी हुआ है। हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन, ये सब जितना भी चंदन का पेड़, अभी देखें आप पुष्पा मूवी झुकेगा नहीं वाला, ठीक है, चंदन का तस्करी बेचने वाला निर्यात कहीं होता है और ये सब बाइबिल में लिखा गया था, ठीक है। तो बाइबिल में लिखा गया तो किस जगह का नाम लिखा गया था, भारत का नाम, कि यहाँ पर सब चीज़ का निर्यात होता है, होता था, होता है नहीं, ठीक है। पुरातत्व में रुचि रखते हैं, प्राचीन चाकू वगैरह, तलवार वगैरह, राजा महाराजा का देखना हो, ठीक है, तो आइए भारत में देखिए। या फिर किसी भी पुराने राजा का हड्डी देखना हो कि अभी वो राजा जिंदा है, तो केमिकल डाल करके संग्रहालय यानी म्यूजियम में उसको भी रखा गया है, ठीक है। तो प्राणी के भाग की जानकारी के लिए कहाँ आइए, आप आ सकते हैं भारत की धरती पर, जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट को पढ़ें। यानी आपसे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि पुरातात्विक विभाग के जनक किसे माना जाता है, तो जनरल कनिंघम को माना जाता है, एक चीज़ याद रखिएगा। या फिर पूछेगा कि जनरल कनिंघम किस चीज़ के जानकार थे, तो पुरातात्विक विभाग के काफ़ी ज़्यादा जानकार थे। अगर आपको इस पुरातात्विक विभाग के बारे में जानना है तो कनिंघम की किताबें पढ़ें। अब देखिए यूनान के प्रसिद्ध प्राचीनतम दार्शनिक
प्लेटो, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेटो कहां के निवासी थे, तो याद रखिएगा यूनान के निवासी थे। प्लेटो कहां के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। ठीक है, अगर ये प्लेटो जो यूनान के निवासी थे, ये बोले एक कहावत कहा गया है शेर के खाल में गधा, शेर की खाल में गधा, ये जो कहावत है ये किसके किताब में दिखेगा, तो प्लेटो द्वारा ये चर्चा किया गया है। जबकि कहा जाता है कि ये इंडिया की कहावत है, ठीक है, तो जब इंडिया की कहावत है तो आखिरकार इसके किताब में ही कैसे आया। ठीक है, तो यही मामला फंसता है। इसका मतलब कि यहाँ की संस्कृति इंडिया की बहुत पुरानी है, ठीक है, और यहाँ की भाषा भी बहुत पुरानी है। और जो संस्कृत भाषा है, ठीक है, कहा जाता है जितना भी भाषा है उस सब भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, इन लोगों के कहने का मतलब है। यहाँ समझिएगा, अगर व्यापारिक संबंध का काल देखना है, व्यापार वाला काल देखना है, तो इंडिया में बहुत जब कई वर्षों पहले से ही व्यापार यहाँ हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि वास्को डी गामा आकर के व्यापार करना शुरू कीजिए, अरे नहीं बाबू, बहुत पहले से यहां व्यापार हो रहा है। वो समुद्री रास्ता का खोज किया था, मेन रास्ता तो था ही सड़क वाला। ठीक है, यहां देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सहनामा की रचना, ठीक है, दसवीं शताब्दी, और आपसे पूछा जाएगा सहनामा की रचना कब से कब तक, तो दसवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक। ठीक है, अब उस समय क्या होता था कि व्यापार होता था, उस व्यापार में इस रचना में, सहनामा की रचना में बताया गया है कि किस तरह से व्यापार के स्टार्ट होता था और भारत में कैसे व्यापार होता था। ठीक है, और कौन सी शताब्दी में, तो लगभग दसवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी के बीच में होता था, भारत और यूरोप में ये सब व्यापार अधिकतर हुआ करता था। अब देखिए, भारत में ब्राह्मण, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि किसे माना जाता है, तो वो भारत को माना जाता है। ब्राह्मण की जन्मभूमि, वैदिक धर्म की जन्मभूमि, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि किसे माना जाता है, भारत को माना जाता है। संस्कृत सभी भाषाओं का क्या है, अग्रजा है। ठीक है, यानी संस्कृत सभी भाषाओं का अग्रजा, यानी सबसे आगे है। ठीक है, संस्कृत जितना भी दुनिया में भाषा है उस सबसे संस्कृत, कहा जाता है कि सब भाषा इसी का मिला हुआ रूप है। आप मान लीजिए कि एक तरह से देखा जाए तो आप खुद सोच के देखिए कि हम लोग चूहा को क्या कहते हैं, मूस कहते हैं, चूहा कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जो मूस वर्ड है वो मान लीजिए कि एक तरह से अपने भाषा में बोले तो हम लोग हिंदी कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या था, मूसा हो जाता है। ठीक है, तो मूसा हो गया तो उस संस्कृत से ही हिंदी बना। ठीक है, इस हिसाब से आगे भाषा बढ़ते गया। भाषा विज्ञान का निष्कर्ष संस्कृत के बिना संभव नहीं, आगे ना बात, भाषा विज्ञान जो भी है, जितने भी भाषाएं बनी है, वो संस्कृत के बिना संभव नहीं था। अगर संस्कृत नहीं होता, संस्कृत का ज्ञान नहीं होता, तो आर्य लोग यहाँ जो आए थे, घूम घूम के चारों तरफ आर्य का प्रचार कर रहे थे, आर्यकरण कर रहे थे, तो उन लोग का मुख्य भाषा ही संस्कृत था। ठीक है, यहाँ देखिए, सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा की है, और यात्रा करने के बाद से लगे प्रचार करने, वाओ पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो वो भारत है, पूरा जाओ घूमो। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जॉन विलियम जो थे वो भारत कब आए, तो अगस्त 1783 ईस्वी में वो क्या आए थे, भारत आए थे। तो यही भारत के, यानी कि पूरी दुनिया की खुशी भारत में मिलेगी, भारत इतना सौंदर्य और हर चीज से परिपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एग्जाम आपका करीब है, तैयारी जबरदस्त करना है। तो फिर हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।